एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे हो। टाइटल देख के लिए कुछ लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या शेयर करूंगी। मैं आज आप लोगों के साथ में कैसा फेस पैक शेयर करूं, करेले का फेस पैक। ये जो फेस पैक है उनके लिए जिनके फेस पे पिंपल हो जाते हैं, पिंपल्स होते रहते हैं, पिंपल्स के निशान हो जाते हैं। जो करेला होता है विटामिन सी होता है, आयरन होता है, बी कैरेटिन होता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे हेल्थ, हमारे बॉडी को वो अंदर से प्योरीफाई कर देता है, क्योंकि जो करेले का जूस होता है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उससे ज़्यादा अच्छा हमारे फेस के लिए होता है, क्योंकि फेस पे हमारे पिंपल्स होते रहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो फेस पैक है, इस वैसे मैंने दो चीज़ें ऐड करी, वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और दोनों ही चीज़ें हमारे फेस के लिए, समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये जो करेले का फेस पैक है, हमारे फेस पे जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स हो जाते हैं उन्हें अच्छे से किल करके हमारे फेस को डिटॉक्स करता है, और हमारे फेस पे जितने भी फाइन लाइंस है, रिंकल्स हो जाते हैं आइज़ के आसपास हो जाते हैं, उन्हें अच्छे से रिमूव करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। अगर आप ये फेस पैक अप्लाई करेंगे तो 100% आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे पहले आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। उसके बराबर छोटी सी बेल आइकन आती है, उसे बीट कर दीजिएगा। उससे जब वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो, उसकी भी आईडी मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक को कैसे बनाते हैं। चलिए अपना फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक करेला। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो आप इसका हाफ करें, अगर आप छोटा ले रहे हैं तो आप छोटा ले सकते हैं। आपको इसे छीलना नहीं है, बस आपको इसके बीज निकालने हैं और आपको इसे मिक्सी में डाल देना है। दूसरी चीज़ अभी इसमें ऐड करनी है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर जो हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, सॉफ्ट भी बनाता है, ग्लोइंग भी बनाता है। ये हमें ऐड करना है। अगर आप बड़ा ले रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, तो अगर आप इस बड़ा ले रहे हैं तो इसका हाफ कर, अगर आप छोटा ले रहे हैं तो आप छोटा ले सकते हैं। बट आपको इसे भी छीलना नहीं है और दोनों को हाफ कर करके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना, कि स्मूथ पेस्ट बना लेना। मैंने बना लिया था, अगर मैं आपको करके दिखाया तो वीडियो और बहुत लंबी हो जाती। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून करीब बेसन। ये एक ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे सूट भी करता है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी। और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आप, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया कोई भी फेस पैक अप्लाई करेंगे तो आपको फेस वॉश ज़रूर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे फेस पे अप्लाई कर लेना और आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो फेस का होगा वो इम्प्रूव होगा, और आपके जो भी फाइन लाइंस होंगे, रिंकल्स होंगे, जो हमारे एज से, एज के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, अगर आपकी एज बढ़ जाती है, वो अच्छे से रिमूव, उसे मतलब रिमूव करने में हेल्प करेगा। और जो क्यूकम्बर है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। क्यूकम्बर, क्योंकि क्यूकम्बर में पानी के जो लेवल होते हैं बहुत ज़्यादा होती है, समर्स में आपको क्यूकम्बर ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप क्यूकम्बर को कोई भी फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आईज़ के अराउंड भी ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर हमारी आईज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो फेस पैक है, इससे आपको ग्लोइंग स्किन भी मिलेगी, आपको सॉफ्ट स्किन भी मिलेगी। और मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर ली थी। अब मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, आईज़ के अराउंड में ज़रूर अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये एक आइज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा फेस पैक है, क्योंकि मुझे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स है, तो वो भी अच्छे से ये रिमूव कर देगा। और आपको इस फेस पैक को कम से कम वीक में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको अपनी सारी वीडियो से बता, अगर आप कोई भी फेस पैक अप्लाई करेंगे तो आपको इससे, आपको चीज़ पता होने चाहिए आपको किस चीज़ से क्या एलर्जी है। तो मैंने इसमें तीनों ही चीज़ अच्छे से ऐड करी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने 5 मिनट तक ऐसे छोड़ दिया था, अब आपको इसे 30 सेकेंड तक अच्छे से रफ़ कर करके रिमूव करना है। इससे आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको इस पेस्ट को बना करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक फ्रिज में रख देना है, तभी आपको इसके अप्लाई करना है। और आपको इसे अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक छोड़ देना, आपको रफ कर करके रिमूव करना है। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मुझे एक दो पिंपल्स के निशान थे, वो भी कितने ज़्यादा लाइट हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ऑल स्किन टाइप्स है, क्योंकि जो करेला होता है वो हमारी स्किन, हमारे बॉडी को प्योर करता है, तो हमारी स्किन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको वही दिखा रहे थे, मेरे फेस पे तो पिंपल्स के निशान थे, वो कितने ज़्यादा लाइट हो, और ये नेचुरल लाइट है। मैं वीडियो नेचुरल लाइट भी बनाती हूँ, कोई रिंग लाइट नहीं यूज़ करती, तो आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या और भी बाकी वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई सजेशन वीडियो हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, लव यू। कमेंट करके बताइएगा, बाय, लव यू।